बांग्लादेश में पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि शेख हसीना जो है वो सुरक्षित जगह पर पहुंच गई है, फिनलैंड जाने की खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालात वहां तेजी से बेकाबू हो रहे थे और इन सब के बीच ये बड़ा अपडेट इस वक्त का जो बांग्लादेश पड़ोसी बांग्लादेश से आ रहा है। बांग्लादेश में दरअसल आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था, ये तेज हो गया। सैकड़ों हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास में घुस चुके। इन सब के बीच खबर ये आई कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है और अपने पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हिंसा लगातार वहां पर चल रही है, कुछ देर में सेना की तरफ से अहम जानकारी दी जा सकती है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है। तंगेल और ढाका में हाईवे पर जो इंपॉर्टेंट हाईवे है वहां पर इन प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। आंदोलन में तकरीबन तीन हफ्तों में 300 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर में जो सेना के प्रमुख है वकरुज्जमान वो देश को संबोधित कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं से वो चर्चा कर रहे हैं और इन सब के बीच बड़ा अपडेट ये शेख हसीना के फिनलैंड जाने की खबर है। आरक्षण को लेकर एक पूरा विवाद और बांग्लादेश में हालात खराब। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अपडेटेड तस्वीर है हाल फिलहाल की, कुछ देर पहले की, जब प्रदर्शनकारी पीएम आवास में अंदर घुस गए थे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। आरक्षण को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ था और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें। इन सब के बीच बड़ा अपडेट ये कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है, फिनलैंड जाने की खबर है शेख हसीना के। तकरीबन 300 लोगों की इस पूरे प्रदर्शन के दौरान इस हिंसा जो घटनाक्रम हुआ, हिंसा हुई, उसमें जान चली गई है। तकरीबन 300 लोग और लगातार ये जो आंदोलन है ये चल रहा था। सेना ने माना जा रहा है मोर्चा संभाल लिया है, सेना ने कुछ वक्त का टाइम दिया है, 45 मिनट का टाइम दिया गया है। और बांग्लादेश से बहुत तेजी से बदलते हालात बाधाहीन उच्छ्वास प्रकाश করছে। আমরা আপনাদের মনে থাকার কথা, রাজা পাকসের যখন পতন হয় শ্রীলঙ্কায়, সেই সময় গণমানুষ ঠিক যেইভাবে इससे पहले भारत एक बार प्रसाद दखल कर शेख हसीना को शरण दे चुका है। हालांकि अभी उनके फिनलैंड जाने की खबर है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुसे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्षमता हस्तांतर और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है, आरक्षण को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। आंदोलन था जो हिंसक लगातार होता चला गया। जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी। देश में ज्यादातर बड़े सरकारी नौकरी में जो कोटा है, रिजर्वेशन है, उसे खत्म किया जाए। छात्रों के आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार ने कोटे को कम जरूर किया, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके थे। उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर दी। तत्वावधायक सरकार उपदेष्टा छिलेन जिनी ब्रैकेट साथे आछेन ताके डाका हुएछे, आरो कयेकजनेर नाम शोना जाच्छे। बांग्लादेश की स्थितियां बहुत तेजी से बदलती हुई। ये वो तस्वीरें जब जो प्रदर्शनकारी है वो पीएम आवास में घुस गए, इससे पहले का जो घटनाक्रम है
तीन हफ्तों का ये पूरा आंदोलन है। शाक सब्जी माछ मांस मुर्गी एक हाथ देखा जा जानकारी ये लग रही है कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए वो दूसरे देश फिनलैंड उनके जाने की खबर है। अभी ये खबर है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त मिल रही है। तो बांग्लादेश में बड़ी उथल पुथल, पड़ोसी बांग्लादेश में बड़ी उथल पुथल, पतन है श्रीलंका। तीन हफ्तों से आंदोलन चल रहा था और इसकी उग्रता लगातार बढ़ती जा रही थी। तंगेल और ढाका, इन दो जगहों से जो इम्पोर्टेंट हाईवे निकलते हैं, उन हाईवे पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था। फिलहाल सेना यहां पर स्थितियां देख रही है। सेना के जो प्रमुख है, उन्होंने पहले कहा था वो 1:30 बजे बात करेंगे और इसके बाद उन्होंने 3 बजे की बात कही, हालांकि अब तक वो संबोधित करने आए नहीं। इन सब के बीच पीएम आवास से लोग सामान लूट लूट कर ले जा रहे हैं, जिसके हाथ जो लगा वो उसे लेकर निकल रहा है। ये छात्र है, प्रदर्शनकारी छात्र है। तो हमरा सेना प्रधान वक्तव्य थे जानते पारबो जे परवर्ती घोषणा की आसबे, जो पहुंचे हुए पीएम आवास सरकारी आवास और फिर यहां से सामानों की लूट इन्होंने शुरू कर दी है। सामान लूट कर प्रदर्शनकारी ले जा रहे हैं। शेख हसीना के घर में भीड़ घुस चुकी है उपद्रवियों की, जो प्रदर्शन कर रहे थे विश्वविद्यालय তার সাথে কথা হয়েছে, তাকে ডাকা হয়েছে, হোসেন জিল্লুরের কথা শুনেছি। आपको फिर बता दें, जुलाई से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सरकारी नौकरियों में जो कोटा है, जो आरक्षण है, उसे खत्म करने की एक मोटा मोटी अनुमान के मुताबिक $10 बिलियन की इकॉनमी का नुकसान बांग्लादेश को हुआ है। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान हजारों लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सैकड़ों पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और भीड़ ने कई जगह पुलिस वालों को मौत के घाट भी उतार दिया है। पीएम आवास की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं, कुर्सी बैग टेबल पंखा केटली जिसके हाथ जो लगा वो उसे लेकर जा रहा है, बाल्टी सीढ़ी पतन श्रीलंका है। গণমানুষ ঠিক যেইভাবে ইয়ে বাংলাদেশ কি ইস ওয়াক্ত কি তসবীর হে রাজপ্রাসাদ দখল করেছিল বাংলাদেশে, আজকে সারা পৃথিবীর মানুষ শেখ হাসিনা কে দেখছে যে বাংলাদেশে বাংলাদেশের এই তরুণ ফিনল্যান্ড জানি কি খবর হে, হালকি ইসকি পুষ্টি হুই নাই হে। আর খবর ইয়ে ভি মিল রহি হে কে ভারত আ সকতি হে শেখ হাসিনা। इससे पहले भी हालांकि शेख हसीना ने एक बार और बुरे वक्त में भारत में शरण ली थी और अब एक बार फिर खबर यह आ रही है कि फिनलैंड नहीं भारत पहुंच सकती है आवामी लीग पार्टी। और माना यह जा रहा है कि एक बार फिर भारत में शरण ले सकती है शेख हसीना। बांग्लादेशी मीडिया यह दावा कर रहा है कि शेख हसीना भारत गई हैं, हालांकि ये सब खबरें अभी निकल कर आ रही हैं।